हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। भाई मैं भी बढ़िया। तो भाई आज जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि कल मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था कि मैं आज निकलूंगा। तो भाई सुबह 5:30 बजे है, निकलने का प्रोग्राम 4 बजे का था, पर वही बात है ना भाई, उठे कौन, 3 बजे उठा भी था फिर वापस हो गया मैं। और ये देखो भाई अपनी लाइट लग रही है कमाल, सही रोशनी कर रही है भाई। और भाई अब चल दिए, 5:30 बजे निकल लिया हूँ मतलब घर से मैं। और अब पहला स्टॉप जो अपना होगा ना वो मेहंदीपुर होगा, तो मेहंदीपुर पहुँचेंगे पापा के पास, फिर देखेंगे। तो आओ आज मैं आप सबको मिलाता हूँ अपने दादाजी से। दादा राम राम, बाय, ध्यान रखना घर का, ठीक है? तो भाई दादा को बोल दिया है घर का ध्यान रखेंगे और हम चल दिए यार। एक तो नहीं, कल बाहर तो दिखाना मैं भूल गया था लास्ट वाली वीडियो में, इसमें दिखाऊं कोई करके भाई। और ऊपर तो चल रही है कुछ ना, खाली फोग लैंप है। चलो भाई, तो भाई पूरी फैमिली आ गई, फैमिली ट्रिप है। हेलो पापा। हेलो, ठीक हो? बढ़िया भाई। क्या भाई, अभी है ना दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं। यहाँ तक आने में मेरे को लगे हैं, मैं चला था मतलब आधा घंटा, आधा से 40 मिनट लगे हैं भाई। कमाल का है, तो जैसा बता रहे थे वैसा ही है भाई। यहाँ बीच में रुक गया मैं एक्सप्रेस वे, देखो भाई, देखो सामने कितना तगड़ा व्यू आ रहा है सनराइज का। बादल हो रहे हैं, हल्की हल्की बारिश होने लग रही है। और भाई कमाल, लाइफ में पहली बार देखा है, अनबिलीवेबल। भाई दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे से उतर गए और राजस्थान में आ गए हैं, भरतपुर क्रॉस करके उतरे महुआ में। नाम भी तो तगड़ा ही है, पहाड़ देखो भाई। बारिश हो रही है यार। पहुंच के भाई मेहंदीपुर, टाइम हो रहा है 9:50 एग्जैक्ट टाइम पे। ऑटो ले लिया क्योंकि यहाँ तो 2-1 किलोमीटर है, बाबा का चल रहा है। भाई आगे भीड़ नॉर्मल ही है, ज़्यादा तो बोना बाकी देखेंगे। पहले तो ज़्यादा टाइम आया था जब मंदिर बनना रहा था, बन गया, 1 साल बाद आया हूँ मैं, तो कह रहे हैं ज़्यादा टाइम लगना रहा, अभी अंदर जाके पता चलेगा क्या है। पर टाइम कितना लगा, आए हैं तो करके जाना ही है। पहले तो 3-3, 4-4 घंटे खड़े होकर गए हम ना लाइन में, फिर दर्शन हुए हैं। भाई दर्शन कर लिए हैं और अब वापस चल दिए हमने, भीड़ काफी थी, 1.5 घंटा लग गया दर्शन करने में। ये खाटू की तरफ निकल लिए, कहीं रुक कर फिर खाना खावेंगे, वहां मिलेंगे आपसे। रास्ते में रुके हैं खाना खाने का ही। बीशु यार, शर्मा जी कैसे हो? हाय।
भाई हम उतल के जा रहे हैं खाना खाने। मीतू खाना खाएगा मेरा। ओ ये शर्मा जी आ रही है पीछे। भाई लंच हो गया और अब चल रहे हैं सीधा काटो। हाँ हो गई कोई नहीं चलो 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 चलते अभी यहाँ से दिखा रहा है। दिखा नहीं दिख रहा ना अब दिख रहा होगा अब दिख रहा होगा ना 2 घंटे 46 मिनट से 158 से 158 किलोमीटर। चलो चलते हैं फिर। भाई अभी आना बीच में 40 किलोमीटर इधर चाय पीने रुके हैं और ये बैठी पूरी फैमिली। एक चीज और बताऊं मेरे पैर देखो कैसे हो गए यो और बीचम भैया के। ये हुआ न्यू भाई के वहां से निकले घर से निकले और घर से निकलते मेरी चप्पल नई चप्पल दी कभी टूट गई पता ना क्यों होया। मैं बोला भाई भगवान चप्पा बचा रहे हैं कि मैं नंगे पैर आऊँ। बीशु बोला कि मैं भी नंगे पैर चलूँगा। बीशु अपनी चप्पल वहीं छोड़ आया। दोनों भाई नंगे पाँव रहे। क्या कर रहे हो चाय सॉरी कॉफी का भाई द्वार वोरा शाम जी पहुँच गए हम और क्या नाम है वहाँ तो अंदर नहान दे रहे थे मेन द्वार तक गाड़ी ने कैसे ना कैसे करके मैं आ गया अंदर। In 500 meters, turn left toward Munda Road. भाई शाम जी पहुंच गए हैं। रूम बुक कर दिया और इव सामान उतारन आ रहा हूँ मैं और सामान उतार के इव सीधा फिर होटल में चला। और मैंने अभी प्लान हम दोनों ने बनाया जब हम घर निकले जब कुछ सोची ना थी तो अब तो जब कोई प्लान ना था ये पता चले कि कल क्या है एकादशी। एकादशी ने भीड़ बहुत ज़्यादा हुई तो मैं मतलब हम लोग अभी दर्शन करके और यहाँ रेस्ट करेंगे और कल निकल जाओगे। फिर कल हम जाओगे साला सर। चलो होटल चलते हैं होटल दिखाता हूँ आपको। सो भाई रूम में आ गया हूँ मैं अपने। हमने डबल ऑक्यूपेंसी के 2 रूम लिए हैं और अभी यार बड़ी मुश्किल से रूम मिला क्योंकि कल एकादशी है तो भाई रूम मिल ही नहीं रहे थे। चलो भाई जल्दी अभी जा रहे हैं दर्शन करन। सही है यार ये तो भाई यार बालकोनी और मन शाम जी करना पड़ा है ना बांद्रा देंगे ये नहीं पड़ रहा है प्लास्टिक से हो ना यो वो है डेगचून है। हेलो विशु सर कैसे हो आप भाई मजा आ रहा है। आपने मतलब मेरे लिए चप्पल छोड़ दी अच्छा भाई मस्त मौसम हो रहा है कति तगड़े वाला। नहीं बिशु दिल्ली में गर्मी हो रही थी अड़ा है हल्की हल्की ठंड है भाई हम सोच रहे थे कि गर्मी होगी। हाँ वो गर्मी ये होगी यहाँ भी बट बारिश की वजह तो हो रही है। सुबह तो बारिश हो रही है हम सुबह तो निकले हैं ना तब तो बारिश हो रही है पलवल तक आगे बारिश हो रही थी। दिखा दे मनु भाई निकल गए और हम जा रहे हैं सीधा मंदिर दर्शन करेंगे। बोला बीचू बापू क्या चुप गया भाई पहुंच गए मंदिर के बाहर
भीड़ हो रखी सही। झंडा ले लिया भाई मैं और मीठू। चले मीठू जय बाबा की। भाई हो गए दर्शन बड़ी जल्दी जल्दी में हो गए हैं, तो मतलब टाइम ही ना लगा जान का और आन का। कोई भीड़ नहीं कोई कुछ नहीं। लोग कह रहे हैं कि जो पूरी भीड़ होना जब 15-20 मिनट लगे हैं। भाई ऐसा भी ना है कि भीड़ बिल्कुल ना, पर है भीड़, लेकिन अरेंजमेंट इतनी अच्छी कर रखी है ना पता भी ना चलता कब मैं दर्शन हो गए और कब मैं निकला है। कर तो रखी है भाई मेहंदीपुर में भी, लेकिन वहाँ ना धक्का मुक्की हो गई हुआ है पता नहीं क्यों। यहाँ जस्ट लाइन बना रखी थी सिंगल एक आदमी, वहाँ लाइन में एक लाइन में 20 आदमी हुए हैं एक साथ इकट्ठे धक्का मुक्की करते। भाई दर्शन कर गए सीधा आ गया भाई होटल में सोएंगे और कुछ ना करें। मिठू तेरे को भी पता है तेरे यूज के हैं भाई। रूम में आगे और भाई दर्शन करके रूम में आगे और अंदर वे लोग बहुत ज्यादा आवाज कर रहे थे तो मैं बाहर आ गया। और आज शाम हो गया 6 बज गए हैं, एक दिन में 2 जगह दर्शन कर लिए, बालाजी भी होया है खाटू भी कर लिए। चल भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।